सोनी मैं बैठे गाड़ी में ले गए गोलगप्पे खाने। मैं हो चुकी काफी लेट, इसलिए देखो मैंने सैटल किया पनीर। होने वाली दुल्हन का दिवाली पे जो सूट जागा एक बारी वो सिलेक्ट करवा दो। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। मम्मी कह रहा पूछना, अरे कल हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, जिसके लिए आज हम जाएंगे शॉपिंग करने। हनमी ड्रेस लेके आने और सामान लेके आना। अच्छा झूठ बोलो, फोन दल होते झूठ बोलो। ये भी जाएगा आटा पीसने के लिए। मैं आज दूसरा दिन, आज सोनी का फिर तक काग उठवा के लेके आऊंगे। मैं जाऊंगी, मम्मी की तबीयत तो थोड़ी सी डाउन, अगर मम्मी को आराम लग गया तो मम्मी भी जाएगी, नहीं तो फिर मेरे को जाना, पर मम्मी को हम लेके जाएंगे। पहली सर्दी की पहली मेथी, आज बनेगी मेथी रोटी, मैंने जो कि बहुत पसंद है। परांठे बनाऊं पर शाम ने परांठे नहीं, मैं मन रोटी पसंद है इनकी गरम गरम। चलो ठीक है, मैं आपके परांठे बना दूंगी, अपनी रोटी बना लूंगी। मम्मी का आज जुकाम हो रहा है, मम्मी इसके सोने ने बना लेती है। अब चाहे सुबह तो पालने माँ आज, क्योंकि मम्मी ना दिखा दी ना इसने, मैं इन्हें दूध पिया हूँ इसमें लटा दूँ, फिर क्या इसने कुछ खुआना पियाना वो भी नहीं कुछ खा रहा मम्मी बनया। और देख लो भाई सब कमेंट क्या करते, मम्मी राजी को नहीं, राजी को नहीं, देख लो कितनी राजी है। या तो ना क्या आंसर सोने दो, मम्मी के बिना कुछ खाते पीते को नहीं, जितने मम्मी ना दिखेगी ना तो दूध भी ना पियो या मेरा। अभी हम जा रहे हैं दोबारा शाम का टाइम है, क्या इसका सोनी, इसका क्या है सोनी का। अरे क्या इसकी तो गया वो रे अपने दादा दर, उसका लेके आऊंगे हम और सादा बुआ का है, ये भी रात में सुरड़ सुरड़ कर रहे थे। क्या सोनी मैं बैठे गाड़ी में ले गए गोलगप्पे खाने, उनका जिगरा था तो गोलगप्पे खाने का, पता ना खा पे आए हैं क्या करके आए हैं। वो आप इनको मिले नहीं तो अब ये दूसरे बीकानेर पे आए हैं, वो खाएंगे गोलगप्पे देखना। हाँ हाँ क्या अच्छे आज 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 ये मैंने काट दी तो प्याज, इधर भी कोदी दाल, और मम्मी उधर काट रहे हैं और इस प्याज, क्योंकि आज कौन आने वाला है अपने घर पे। हाँ आ जाएंगे भाई मोहित के ससुराल से, सुगन की मिठाई दे। हाँ वो आएंगे दिवाली की मिठाई देने, और देखो मेरा खंड के पानी आकर सारे का दाग हो गए। तो हम बनाएंगे भाई एक तो पनीर की सब्जी मटर पनीर, और दूसरा बनाएंगे दाल। मैं तो यूँ को दिमित है कि मम्मी दूसरी सूखी सब्जी बना दे, जैसे कि आलू का जो वो भी मटर मिक्स हो जाएगी। तो मम्मी बोली ना कि रोज रोज हमें पनीर बनाते, तो पनीर बनाऊंगी। इधर तेल गर्म हो रहा है, किचन काम देखो अभी सुबह सुबह। वाह जी वाह, अब 5 मिनट में सारी किचन रेडी हो जाएगी मेरी। मैं हो चुकी काफ़ी लेट, इसलिए देखो मैंने इस साइड पर रख दिया पनीर, फिर इस साइड हो गई मेरी दाल। इसको मैं दोनों गैस चला के एक साथ और दो सब्जी बना रही हूँ, उसके बाद रह जाएगी रोटी रोटी, क्योंकि 10 बजे वो आ लेंगे। दाल बनकर रेडी, पनीर बनकर रेडी, और इधर रायता रायते में तड़का देना, बाकी सारे काम रेडी। ये बनाऊँ रोटी, मोहित रोटी खा ली और पापा ने खा ली, कोई से नहीं ना पता सब्जी की सी है। मैं मम्मी तक पूछूँ, मम्मी किसी सब्जी बन रही है, नमक मिर्च ओके है, नमक मिर्च ओके है ना। और बार बहुत सारा घर है भाई, और क्या से मैं देखा है डांस कर अच्छे है, क्या से गए वे गए गए ओ लुगा। जैसे सर्दिया टाइम आ गया जल्दी उठने लगी, 6:30-7 बजे उठा दे हम पर। जब ते कई दिन हो गए, तभी 10-12 दिन हो गए ठाते या बनाने लगे रोटी। ये देखो तैयारी भाई इनकी, लस्सी ना है, लस्सी भी दे दे।
और भाई देखो सब्जी कितनी बड़ी है। सारी तैयारी करके रख दी, दाल पनीर रायता रोटी रहेगी, रोटी आई चुप बनाऊंगी इतने बता लम्बा की रोटी खा लूँ, खाना खा कर फ्री हो जाऊँ। मम्मा की दुकान में और साथ में आ गई मम्मी भी। मम्मी जो उसका होने वाली दुल्हन का दिवाली पर जो सूट जागा एक बारी वो सिलेक्ट करवा दो। नंगे ए नंगी मम्मी एक बारी करवाइयो देख लो भाई क्या कैसे रहो है सुबह सुबह कैसे रो रहा है। अच्छा ना बनाते ना बनाते बस मारेंगे क्या बनाओ बनाओ कैसे रो रहा है क्या सबको रो के दिखा पढ़ मुंह पढ़ क्या सुन रहा था रुक करना था ने की वीडियो बना दी चुप हो गया और मम्मी ने आज बिछाई नई चादर देख लो चादर का क्या हाल कर दिया कौन से ना करे आई हो क्या अपनी ड्रेस दिखा सबको कैसी लगी ड्रेस की आंस की कौन लेके आया कौन लेके आया आपकी ड्रेस ऐसे बुआ कौन लेके आया बताओ कौन लेके आया रूस रहा मेरा बेटा थर रूस रहा इसी तरह बोलता है यो रूसी रूसी सही काम बंद है ना पा फिर कदे रहो नैनू कर दियो तो तेरी वीडियो बनाऊं कौन लेके आया की आंस की ड्रेस ऐसे बुआ पापा बुआ बोली क्या से बोलू पानी के हाँ तो भाई मैं भी नहा के हो गई रेडी और आज फिर दोबारा मैंने ये सूट पहना क्योंकि ये अब मैं रीसेल नहीं करूँगी ये सूटें मैं खुद पहनूंगी ये मेरे को अच्छा लगा इसलिए। और अभी हम देखेंगे अपनी देवरानी के लिए कोई सूट सिलेक्ट करेंगे कौन से वाला सूट तो भाई अभी मैं और मम्मी हमने आपको तो दिखा था कि दो सिंगार दानी लेके आए थे सूट लेके आए थे वो सारा निकाल रहे हैं कि वो हमने कित रख दिया क्योंकि वो हमने देख मिल गया मम्मी ने मिल गया सारा ईद चाहिएगा वो हमने क्योंकि ईद दिवाली का जो दिवाली देना है ना तो लड़की वाले तो लेके आते ही है दूल्हे का पर हमें भी देना होता है जो हमारी दुल्हन होगी उसका। तो अभी ये सारा सामान निकाल रहे हैं ये पहले तो हम दो सूट लेके आए थे दोनों के दोनों हैवी सूट लेके आए थे रेड वाला आपने देख लिया था हमारे व्लॉग में भी और मोहित के व्लॉग में भी जो उन्होंने रेडी करवा के डाला भी था। तो अब दूसरा ये वाला सूट है ये सूट भी पूरा हैवी है और इसका दुपट्टा भी पूरा हैवी है देखो मैं आपने खोल के दिखा देती हूँ पूरा ये तो सूट है तो ये इसका दुपट्टा है देख लो बढ़िया रहा है यो इसका सूट और गेंजा के फैब्रिक में और ये इसकी पूरी कुंडी मिलेंगी तो दूसरा तो थोड़ा ले रहे हैं हम यो भाई हम देंगे अब दिवाली पे और थोड़ी मिलवानी पड़ेंगे के सिंगार का देखते हैं देख कर उधर है सिंगार का सामान भी हमारे पास है पूरा। बुआ जी तक बात हुई थी हमारी तो बोली कि अब की बार थोड़ा कम देना है पिछली बार जो दिया था ना उससे कम देना है ना मी तो अब की बार सिंगार में यही जाएगा और एक मेहंदी की कीप जाएगी इनमें नेल पेंट सिंदूर ओ सॉरी लिपस्टिक सिंदूर कोम और ये काजल रबड़ बैंड हो गया और एक कलेक्चर हो गया तो अब की बार सिर्फ यही जाएगा इसमें सिंगार में एक मेहंदी की कीप हो जाएगी बस और कुछ नहीं करना इसमें ऐड और क्या देना मम्मी तो अब की बार सिर्फ सिंपल ही सामान जाएगा यही वाला और कौन कौन आएगा भाई वो आपने बाद में पता चल जाएगा कि कौन कौन आने वाला है उनके घर से। मेरा भी भाई लग गया है तो भाई मेरा भाई ना आ पाया तो क्या भाई आ गया एक के बाद में खुशी बराबर भाई भाई हो है।